आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारा कि हमें दो कथन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है और क्या ये कथन दो जो है इस फर्स्ट का एकदम सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। और जिसके अंदर पहला कथन है हमारा, ये हमारा फलन है कोई एफएक्स और जिसका परिसर जो है आर नहीं है। और दूसरा कथन दे रखा है कि सतत सम फलन का परिसर जो है वो कभी आर नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सम फलन होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम सम फलन। अगर मैं बात करूं सम फलन की तो हमारा एफएक्स बराबर होगा माइनस एफ माइनस एक्स के, तो वो हमारा फलन जो होगा वो सम फलन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये हमारा एक सम फलन है। अगर यहाँ पर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूँ तो यहाँ पर हमारा 4ay और ये वापिस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका मतलब ये हुआ अगर ये हमारा एफ एक्स है और इसे हम मान लें एफ माइनस एक्स के, तो ये दोनों जो है हमारे बराबर हो रहे हैं, तो ये हमारा फलन है जो है वो सम फलन है। यही सम फलन की जो होती है परिभाषा होती है। अगर मैं इसका वक्र बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, तो ये इस प्रकार होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, मतलब यहां पर ये हो जाएगा, ये हमारा वाई है, तो यहां से जो है वाई इन दोनों अक्षों के प्रति जो है सममित होगा और एक्स चाहे ऋणात्मक आए लेकिन वाई कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम फलनों का जो परिसर है वो कभी भी आर नहीं होगा। तो सम फलनों का जो परिसर है वो कभी भी आर नहीं हो सकता। तो इस एग्जांपल से हम जो है इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो कथन है हमारा वो तो सही है। और अगर हम बात करें पहले कथन की, तो पहला कथन कह रहा है कि हमारा इस फलन का परिसर आर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, अगर ये हमारा फलन जो है अगर सम फलन हुआ तो इसका जो परिसर होगा वो आर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फलन की। तो फलन एफ एक्स दे रखा है, वो दे रखा है एक्स डॉट ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x और बटा में हमारे पास है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है यहाँ पर प्लस एक्स की पावर 4। अब यहाँ पर जो है एफ माइनस एक्स देखेंगे यहाँ से, क्योंकि सम फलन के लिए हमें चाहिए एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, सॉरी एफ माइनस एक्स होना चाहिए, तो एक्स की जगह हम माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर माइनस का 2x माइनस ई की पावर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे ही रख देते हैं ई की पावर 2x और नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस के 2x प्लस ई की पावर 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर 4। यहां से अगर हम इसे आगू सरल करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स और अंदर हो जाएगा ये ई की पावर माइनस के 2x और ये हमारा ई की पावर, या यहां से अगर हम माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हमारा माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का e की पावर 2x और नीचे हमारा बनेगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस, अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार x की पावर 4 हमारा प्लस का हो जाएगा। यहां से अगर हम आगे बात करें तो ये हमारा माइनस और माइनस प्लस, तो यहां से हमारे पास f माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डॉट ई की पावर ये हमारा 2x और ये हमारा माइनस का ई की पावर माइनस 2x और नीचे हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 4। अगर हम बात करें एफ एक्स की और एफ माइनस एक्स की, तो ये दोनों यहां पर बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एफ एक्स बराबर है
ऑफ माइनस एक्स के, तो ये हमारा फलन जो है सम फलन हो गया। और सम फलन का हमने अभी अभी देखा कि उसका जो परिसर होता है वो आर नहीं होता है, तो हमारे कथन भी यही कह रहे हैं कि इस फलन का जो परिसर है वो आर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कथन हमारा पहला सही है और दूसरा भी सही है, और दूसरा जो कथन है पहले कथन का एकदम सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ से हमारा कथन फर्स्ट सत्य है, कथन दूसरा भी सत्य है, और कथन दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है बिल्कुल। तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।